जुलाई 16, 1945, सुबह के करीब 4 बजे न्यू मैक्सिको के शहर लॉस एलामोस से लगभग 300 किलोमीटर दूर 100 से भी ज़्यादा लोग एक बॉम्ब टेस्ट की तैयारी में जुट जाते हैं। एक प्लूटोनियम बॉम्ब को 100 फीट ऊपर स्टील टावर पर रख ठीक 5:30 बजते ही डेटोनेट कर दिया जाता है। बॉम्ब से निकला फ्लैश इतना तेज़ होता है कि 9 किलोमीटर दूर खड़े ऑब्जर्वर्स भी टेम्पररली ब्लाइंड हो जाते हैं। इस डेटोनेशन से निकले एक्सट्रीम हीट से स्टील से बना टावर भी वेपराइज हो जाता है और ज़मीन पर एक 9 मीटर चौड़ा क्रेटर बना देता है। ये मंजर देख एटॉमिक बॉम्ब के प्रोजेक्ट हेड रॉबर्ट ओपेनहायर भगवद गीता में लिखी एक लाइन को दोहराते हैं, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। आई रिमेंबर द लाइन फ्रॉम द हिंदू स्क्रिप्चर द भगवद गीता सेज नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। इस सक्सेसफुल टेस्ट के एक महीने बाद ही जापान की सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी में 2 बॉम्ब्स गिराए जाते हैं। इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 का द एंड होता है। लेकिन सवाल आखिर ये उठता है कि कैसे अमेरिका इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर एटॉमिक बॉम्ब्स बना पाया और क्यों जर्मनी और जापान जैसे कंट्रीज इस रेस में फेल हो गए। चलिए जानते हैं इन डिटेल इस वीडियो में। एटम ग्रीक फिलोसफी से लिए शब्द एटमॉस से बना है जिसका मतलब होता है अनडिवाइडेबल। लेकिन 1930s आते आते साइंटिफिक कम्युनिटी में बढ़ती प्रोग्रेस ग्रीक फिलोसफर्स की इस बात को गलत साबित कर देती है। दिसंबर 1938 में जर्मनी के रेडियो केमिस्ट ऑटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन अपनी बर्लिन की एक लैब में न्यूट्रॉन्स फायर करते वक्त डिस्कवर करते हैं कि कैसे यूरेनियम स्प्लिट होने पर कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में रिलीज करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन E=mc² में बताया गया था। एनर्जी के साथ साथ रिएक्शन के दौरान कई न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं जो कि बाकी के एटम से कोलाइड कर एक चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं जिसके चलते एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। जर्मनी में हुए इस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट की खबर सुनते ही अमेरिका में बैठे फिजिसिस्ट लियो ज़िलर्ड वॉल्टर ज़िन के साथ मिलकर इस एक्सपेरिमेंट को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिसके सक्सेस के बाद वो इस फाइंडिंग को कन्फर्म भी करते हैं। न्यूक्लियर फिजन फिजिक्स में हुए सबसे प्रोमिनेंट डिस्कवरी में से एक था जिसके पोटेंशियल को फिजिसिस्ट लियो ज़िलर्ड बहुत अच्छे तरीके से समझते थे और उन्हें डर था कि कहीं जर्मन मिलिट्री इस डिस्कवरी का गलत फायदा उठाकर एक न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना दे। इसी डर के चलते अगस्त 1939 में लियो ज़िलर्ड अल्बर्ट आइंस्टीन को कहकर अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट को एक लेटर लिखने को कहते हैं। लेटर में आइंस्टीन बताते हैं कि कैसे न्यूक्लियर फिजन से किए चेन रिएक्शन से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस की जा सकती है और कैसे जर्मनी इसके थ्रू एक बॉम्ब बनाने की रिसर्च भी कर रहा है। आइंस्टीन के लिखे इस लेटर के एक महीने बाद ही सितंबर 1939 में नाजी जर्मनी पोलैंड को अटैक कर वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत कर देता है। अक्टूबर आते आते अमेरिकन प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट तक ये लेटर पहुंच जाता है। लेटर पढ़ते ही रूज़वेल्ट समझ जाते हैं कि अगर जर्मनी के हाथ ये बॉम्ब पहले लग गया तो हिटलर के हाथों दुनिया को बचाना नामुमकिन होगा। इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट यूरेनियम की रिसर्च पर एक एडवाइजरी कमेटी बनाने का फैसला लेते हैं जिसकी पहली मीटिंग 21 अक्टूबर 1939 को होती है। वर्ल्ड वॉर 2 को शुरू हुए अब लगभग 2 साल होने को आए थे और सभी साइंटिस्ट बस वेट कर रहे थे कि कब यूनाइटेड स्टेट्स भी इस वॉर में शामिल होगा। सभी के मन में यूरेनियम बेस्ड बॉम्ब को लेके एक डाउट था लेकिन साल 1941 में आई ब्रिटिश साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट इस बात को कंफर्म कर देती है कि कैसे यूरेनियम से एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना पॉसिबल है जिससे अमेरिकन साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। यूरेनियम की रिसर्च पर बनाई गई एडवाइजरी कमेटी के 2 साल बाद भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की रिसर्च काफ़ी ढीली चल रही थी लेकिन 1941 में हुए एक इंसिडेंट से इस पूरे एक्सपेरिमेंट को एक नई रफ्तार देखने को मिलती है। 1941 को जापान अमेरिका की एक आइलैंड पर्ल हार्बर पर सरप्राइज अटैक कर देता है जिसके एक दिन बाद ही अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट जापान पर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। अर्ली 1942 में बॉम्ब्स को बनाने के 2 रास्ते दिख रहे थे, एक था यूरेनियम 235 फ्यूल बॉम्ब और दूसरा प्लूटोनियम 239। बाय द वे इंडियन माउंटेन नंदा देवी पर भी इसी प्लूटोनियम 239 से बना एक न्यूक्लियर रिएक्टर गुम है जिसकी बात हमने पिछले वीडियो में की है, आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। खैर यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 दोनों ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को इतने लार्ज स्केल पर एनरिच करना बहुत ही मुश्किल टास्क था और इसीलिए जल्द ही इस काम को करने के लिए अमेरिकन मिलिट्री की एंट्री होती है। मिड 1942 आते आते यूएस पैसिफिक में कई मिलिट्री डिफीट देख चुका था और सभी टॉप ऑफिशियल्स एक न्यूक्लियर बॉम्ब के सपोर्ट में खड़े होते दिख रहे थे लेकिन बॉम्ब के इस थियोरेटिकल कंसेप्ट को प्रैक्टिकल करने के लिए एक इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल मार्वल की जरूरत थी। इसलिए अगस्त 1942 में इस न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने की जिम्मेदारी अमेरिकन मिलिट्री के आर्मी कॉर्प्स के इंजीनियर्स को दे दी गई
जिसका ऑफिस था न्यूयॉर्क की एक जगह मैनहट्टन में, और इसी वजह से प्रोजेक्ट का नाम भी पड़ा द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के एक महीने बाद ही आर्मी जनरल लेस्ली ग्रोव्स को प्रोजेक्ट का हेड बना दिया जाता है, और हेड बनते ही जनरल ग्रोव्स बॉम्ब की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3 नई प्रोजेक्ट साइट्स को चुनते हैं। इनमें से पहली साइट होती है टेनेसी के शहर ओकरिज में, जहां पर यूरेनियम बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। दूसरी ओर हैंडफोर्ड वॉशिंगटन में यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया जाता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट साइट जो जनरल ग्रुप्स चुनते हैं वो होती है लॉस एलामोस न्यू मैक्सिको में, जिस पर जिम्मेदारी थी न्यूक्लियर बॉम्ब से जुड़े वेपन्स की कंस्ट्रक्शन की। इस साइट को असल में नाम दिया जाता है प्रोजेक्ट वाई, जो कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट था पूरे न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के प्रोसेस में, और इसीलिए इसके हेड बनाए जाते हैं फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब फिजिसिस्ट रॉबर्ट ओपेनहायर। प्रोफेसर ओपेनहायर इस प्रोजेक्ट के सबसे क्रूशल पर्सनैलिटी थे, और इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो एनरिको फर्मी, एल्बर्ट आइंस्टाइन और रिचर्ड फेमिन जैसे 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट की टीम को लीड कर रहे थे। 21 जुलाई 2023 को इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी फिल्म ओपेनहायर रिलीज होने वाली है, जिसके डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नॉलन। वैसे तो ओपेनहायर एक पैसिफिस्ट थे, मगर हिंदू स्क्रिप्चर भगवद गीता के धर्म की फिलॉसफी को बड़ा मानते थे, और उनका मानना था कि अर्जुन की ही तरह उनका भी एक धर्म है, और इसीलिए वो इस प्रोजेक्ट की लीडरशिप को बड़े ही अच्छे तरीके से निभाते हैं। जुलाई 1945 को एक प्लूटोनियम बेस्ड न्यूक्लियर बॉम्ब को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया जाता है, जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी, और इसके एक महीने बाद ही 6 और 9 अगस्त को जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी में तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिरा दिए जाते हैं। इस न्यूक्लियर अटैक के कुछ हफ्तों बाद ही 2 सितंबर 1945 को जापान सरेंडर कर देता है, जिसके चलते ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे डेडलीस्ट वॉर के खत्म होने के साथ साथ मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक सक्सेस साबित होता है। इस पूरी स्टोरी से दो बड़े रीज़न दिखते हैं कि क्यों अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब की इस रेस में आखिर जीत पाया। पहला और बड़ा ऑब्वियस रीज़न इसका यह था कि अमेरिका की साइंटिफिक कम्युनिटी में सिर्फ अमेरिकन साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि जर्मनी और उसके नेबरिंग कंट्री से भाग आए साइंटिस्ट भी शामिल थे। साथ ही साथ कनाडा और ब्रिटेन के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स भी इस प्रोजेक्ट में पूरी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे थे। वहीं इसका दूसरा बड़ा रीज़न जो देखने को मिलता है वो है एक अच्छी लीडरशिप का होना। अब क्योंकि इतनी डिस्ट्रक्टिव वेपन को बनाने के लिए इंडस्ट्री और इंजीनियर्स की काफ़ी ज़रूरत थी, मैनहट्टन प्रोजेक्ट में एक वक्त में लगभग 130,000 लोग काम कर रहे थे। इतने बड़े प्रोजेक्ट को सीक्रेटली चलाना कोई आसान काम नहीं था, जिसे जनरल लेस्ली ग्रोव्स ने बखूबी निभाया। आगे चल के न्यूक्लियर बॉम्ब के इस यूज़ को काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, वहीं कुछ लोग इसकी सपोर्ट में भी दिखे। खैर, आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल कोश को अभी सब्सक्राइब करें।